चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ना। हम लोग पिछले दिन तक के कहां तक पढ़े थे, हम लोग वहां पे पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है और कुछ भौतिक परिस्थितियां का कितना कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां तक के हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे का पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक बनाया जाए। टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर गति। आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे क्या है ये चीज। सबसे पहले ये चुंबकीय क्षेत्र हमें मौजूद रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहने का मतलब क्या है, ये अभी क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है कि यहां पे ढेर सारा चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पे बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब ये बता रहा है कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। इट मीन्स कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से दिखाते हैं, और बी से दिखाते हैं इसका मतलब है यहां पे बी है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि यहां पे बी मौजूद है, और इसमें एक हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर यानी कि तार लिए हैं वृत्ताकार फॉर्म में, एक वृत्ताकार के रूप में तार लिए हैं, और इसमें जो करंट जा रहा है इधर से इधर जा रहा है, और इसका वेलोसिटी अगर बात किया जाए तो वेलोसिटी कितना है वी, वेलोसिटी कितना है वी। अगर हर केस पे बात किया जाए तो वी वेलोसिटी है, उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में मोड़ेंगे तो फोर्स कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, तो यहां पे आ रहा है फोर्स, ये एफ है, बल आ रहा है। अगर मान लिया कि इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो वेलोसिटी होगा सामने, सामने वेलोसिटी होगा, और इसके सेंटर से बनेगा एफ फोर्स। अगर यहां पे होगा तो यहां पे होगा वेलोसिटी और यहां पे होगा फोर्स। अगर मान लिया कि यहां पे होगा तो यहां पे होगा वेलोसिटी और यहां पे होगा फोर्स। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे बात करें तो सामने होगा वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि इधर से करंट जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, और सामने होगा फोर्स। तो टोटल अगर मिला के अगर बात किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें अगर बात किया जाए तो टोटली मिलाकर, एक क्रॉस से थोड़ा सा पहचान नहीं आ रहा था, अब पहचान आ रहा है क्लियर। तो ये करंट कैरिंग लूप है, गोल वृत्ताकार तार है जिसमें हम लोग आई करंट दिए हुए हैं। आई करंट देने की वजह से जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बी, उसमें हम लोग अगर बात करते हैं कि चुंबकीय बल किधर से किधर होगा, तो अगर इधर वेलोसिटी है उसको मोड़ेंगे तो अंगूठा बताता है, दक्षिण हस्त नियम में पढ़े हैं कि अंगूठा बताता है चुंबकीय बल का, तो एक चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल होगा। अब इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे आगे का जो भी चीज है। चूंकि अच्छा, इसके नीचे एक बात लिखा जाए, कुछ बात है उसको लिखेंगे, लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हमेशा एक समान चाल से होती है, हमेशा एक समान चाल से होती है, हमेशा एक समान चाल से होती है। चलिए, तो अभी तक के हम लोग ये सीख रहे थे कि इसमें जो आवेश, चूंकि यहां पे क्या चल रहा है, तो यहां पे प्लस कोई आवेश है वही ना चल रहा है, तो करंट भी आ रहा है उसमें, और यो बोले तो अगर करंट है तो आवेश घूम रहा होगा। तो यहां पे अभी हम लोग ये सीखे कि जब कोई आवेश करंट कैरिंग लूप में अगर घूम रहा होगा तो उसका जो घूमने का चाल है वो एक समान होता है, यानी कि एक ही स्पीड से घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक बहुत ज्यादा तेजी से जाया और फिर यहां धीरे 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 आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर वो एक समान चाल का मतलब हुआ कि इतना ही चाल से चारों तरफ घूम रहा है, अगर असमान रहता तो स्पीड फिर स्लो, फिर स्पीड स्लो, या यहां से यहां तक फास्ट स्लो, तो उसको बोलते असमान चाल। लेकिन आपको जानना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश चलते हैं वो कैसे चलते हैं, तो बिल्कुल एक समान चाल से चलते हैं। अब चूंकि
हम लोगों को पता है कि हम लोग को जो फोर्स मिलता है जिसको एफएम बोलते हैं यानी कि चुंबकीय बल, वो क्या है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, ये हम लोग को पता है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ एम का जो वेक्टर है वो क्यू वी बी, बी क्रॉस बी को डायरेक्ट क्यू वी बी भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक मेरा समीकरण आया। और हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल होगा। इसलिए अभिकेंद्र होगा क्योंकि जब हम लोग अगर वृत्ताकार रास्ता पे साइकिल वगैरह चलाते हैं तो मेरा जो धड़ है शरीर का वो सेंटर की ओर झुका रहता है, केंद्र की ओर झुका रहता है। अभिकेंद्र बल जिसका फॉर्मूला एफ होता है वो बराबर होता है एम भी स्क्वायर बटा आर। एम का मतलब अगर कोई आवेश व्यक्ति अगर चारों तरफ दौड़ रहा है उसका द्रव्यमान वी स्क्वायर, वी का मतलब वेग और आर का मतलब यहां से यहां तक का सेंटर से लेकर त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको मानना है समीकरण टू। तो समीकरण वन और समीकरण टू से चलेंगे, समीकरण एक एंड समीकरण दो। तो एफ और एफ इक्वल है तो राइट साइड वाला इक्वल होगा, मतलब क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर, तो वन एंड टू से चलेंगे तो एल एच एस का पार्ट तो इक्वल, तो उसी तरीके से आर एच एस वाला पार्ट हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ क्यू वी वी है एम वी स्क्वायर बटा आर। चलिए अब हम लोग इसी को आगे प्रूफ करते हैं। तो आप पहले क्या कीजिएगा, फिगर उसके नीचे जो हम एरो मार्कर दिखवाए हैं वो लिखना है और फिर इधर प्रूफ करना है। तो यहाँ के बाद हम लोग आगे चलते हैं, समीकरण वन और टू से लिख लेना है कि क्या आया है। उसके बाद जो जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कितनी होती है, तो यहां चूंकि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बटा आर आया है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए भी इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ भी है और वी स्क्वायर है तो ए वो वी कट जाएगा, तो टोटल क्या बनेगा, ये आर को इधर से गुना करेंगे तो क्यू बी आर इज इक्वल टू एम भी, इसलिए भी इज इक्वल टू क्यू बी आर बटा में क्या एम, जहां पे भी क्या है, तो जहां पे भी जो है हमें आवेश का गति है, भी मतलब आवेश की गति, और यहाँ पे Q है और Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब आवेश, M का मतलब द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु घूम रहा है उसका द्रव्यमान, और R का मतलब उसका त्रिज्या, किसका, अगर वृत्ताकार फॉर्म में घूम रहा है उसका, और B का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो टोटल अगर बात किया जाए तो उसमें V का वैल्यू कितना होगा, तो क्यू बी आर बटा में एम, ये हम लोगों का जो चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश होगा उसका वैल्यू होगा। तो टोटल अगर बात किया जाए तो अभी हम लोग ये प्रूफ कर रहे थे कि टोटल वी का वैल्यू कितना होता है। चलिए अब हम लोग अगर बात करते हैं कुछ टाइम टेकन का, अगर मान लिया जाए कि उसको परिक्रमण काल अगर टी लगता, जैसे अगर वृत्ताकार फॉर्म में अगर कोई भी वस्तु कवर किया रहता है, यहां तक के बाद आगे नोट करेंगे। तो याद रखिए कि हम लोगों का जो आवेश का वेग होता है वो कितना होता है, तो क्यू बी आर बटा में एम होता है। अब चलिए उसके आगे का हम लोग काम करते हैं। तो अगर कोई आवेश अगर वृत्ताकार फॉर्म में है, वृत्ताकार फॉर्म में है और उसमें टी समय लगता है, उसके नीचे लिखेंगे प्रूफ जो किए हैं उसके नीचे, यदि वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति का मतलब जो अभी हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो फिगर बनाए थे, वृत्तीय गति में परिक्रमण काल यदि टी है,
देखिए परिक्रमण काल का मतलब ये होता है कि अगर कोई वृत्तीय गति है, परिक्रमण काल का मतलब अगर यहां से मेरा मार्कर चला और एक चक्कर करने में 10 मिनट का टाइम लिया, तब हम बोलते हैं कि परिक्रमण काल कितना है, 10 मिनट है। यानी कि हर एक चक्कर 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लिया कि अगर एक चक्कर हम एक घंटे में लेते हैं तो मेरा परिक्रमण काल कितना हुआ, एक घंटे हुआ। परिक्रमण काल का मतलब होता है एक चक्कर में जितना समय लगता है वो कहलाता है परिक्रमण काल। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका परिक्रमण काल कितना है, टी है। परिक्रमण काल का मतलब क्या कि जो हम लोग फिगर बनाए थे उसमें आवेश को गति करने में एक बार चक्र काटने में टी परिक्रमण काल लग रहा है। उस स्थिति में हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि परिक्रमण काल अगर टी है तो ये लिख सकते हैं कि समीकरण वी इज इक्वल टू कितना होता है, तो 2πr/T। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कब, जब वृत्तीय गति में परिक्रमण काल टी लगता है तब ये फॉर्मूला होता है। और चूंकि तथा हम लोग अभी ये प्रूफ किए कि वी बराबर qbr/m, ये अभी हम लोग प्रूफ किए। तो दो तक के समीकरण था, इसको समीकरण दीजिए 3, इसको समीकरण दीजिए 4। तो आप देख पा रहेंगे 3 और 4 समीकरण में लेफ्ट हैंड इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 यहां पे क्या होगा, जब LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। इसका मतलब 2πr/T इज इक्वल टू qbr/m। R से R कैंसिल आउट हुआ तो यहां पे क्या बचा, 2πT/ इज इक्वल टू qb/m। ये हम लोग को प्रूफ हुआ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 2πT को हम लोग बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, आपको यहां पे जानना चाहिए। चूंकि 2πT को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, डब्लू के जैसा लिखते हैं लेकिन यहां पे गोला होता है, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो हम इसको इसलिए बोल सकते हैं कि 2πT का जो वैल्यू आया वो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू qb/m। यानी कि यही 2πT को ओमेगा लिख सकते हैं, जो वैल्यू क्या होगा, qb/m हो सकता है, या फिर उसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे ये तो लिख देंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कहां से कहां वैल्यू पुट किए हैं। अब इसके आगे जो हम एक और बात लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिखेंगे, चूंकि 2πT इज इक्वल टू qb/ कितना m, इसलिए 2π को अगर नीचे लाएंगे तो हम यहां पे क्या बचेगा, 1πT। देखिए हम लोग अलग अलग तरीके का फार्मूला बना रहे हैं, ये 2π को हटाएंगे तो यहां बचेगा 1/2 और 2π हटेगा तो क्रॉस में जाएगा यानी कि नीचे, यानी यहां बच जाएगा qb/2πm, ये बचेगा। और इसलिए यहां पे 1/2 बनाया है चूंकि f 1/T को हम लोग लिख सकते हैं f, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति। तो टोटल मिलाकर यहां से फार्मूला मिला कि f बराबर qb/2πm, 2πm। तो ये कुछ हम लोग इससे फार्मूला निकाले। अब जरा बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे डेराइव किए। तो टोटल मिलाकर अगर बात किया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र में, ये किसका फार्मूला है, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण आवेशित रहेगा, सॉरी गतिशील रहेगा, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो टोटल मिला के कौन कौन सा फार्मूला सामने आया जरा देखते हैं, उसके नीचे लिखिएगा नोट में करके, नोट में कुछ सभी फार्मूला जो अभी अभी हम लोग को मिला है। तो पहला फार्मूला मिला कौन सा, जो हम लोग प्रूफ किए, कौन सा, तो v इज इक्वल टू qbr/
एम, ये फर्स्ट फॉर्मूला। फिर दूसरा क्या, जब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को इक्वल किए तो हम लोग ओमेगा का फॉर्मूला निकाले, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, जहां ओमेगा का मतलब क्या, ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, इसको क्या पढ़ते हैं ओमेगा पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोणीय आवृत्ति होता है। अच्छा फिर इसके आगे अगर हम लोग बात किए तो आवृत्ति का एफ का फॉर्मूला डिराइव किए, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बटा टू पाई एम, एम का मतलब मास द्रव्यमान, पाई का मतलब 22/7 या फिर 3.14, एफ का मतलब आवृत्ति, यानी कि टोटल हमें आवृत्ति बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोणीय आवृत्ति बोलेगा, देखिए यहां पे आवृत्ति है यहां पे क्या है कोणीय आवृत्ति है, तो दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है, और वी अगर बोलेगा कि कितना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो टोटल यहां से हम लोग तीन फॉर्मूला को प्रूव किए, और कैसे प्रूव किए वो जस्ट आपके सामने है, और बिल्कुल इसको जो नोट करना है उसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करना है, एक के नीचे एक नोट करना है, हमारे जैसा ये नहीं कि उसको मिटाए फिर उसको ऊपर लिखे फिर उसको नीचे लिखे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसको ऐसा यूज कर रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से एक के नीचे एक लिखिए, कहां से कैसे आया उसको जरूर दिखाइए, जैसे कि हम यहां पे दिखाए हैं आप इसको जरूर नोट किया कीजिए ऐसे ऐसी बात को। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश कण रहेगा तो उसकी गति कैसा होगा, उससे हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसके अब आगे पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक्स है कि अगर हम लोग का लंबवत रहेगा यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा तब आवेश के कण का गति कैसे होगा। तो आज तक के यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं इसको, अब अगले क्लास में अगले वीडियोज में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे का सिचुएशन और क्रिटिकल होगा और हम लोग और अच्छे ढंग से, अच्छा टॉपिक आने वाला है, अच्छा समझने वाला, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और इन चीज को जरूर फॉलो कीजिए कि हम लोग को कैसे नोट्स करना है, या फिर इनपे हो सकता है हम अगले दिन न्यूमेरिकल भी लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट जुड़े रहिए। अगले दिन हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी के से जुड़ा हुआ बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे कुछ हम क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इनको फॉलो कीजिए और घर पे मेहनत कीजिए इस लॉकडाउन की स्थिति में, और घर पे पढ़ते रहिए, यही मेरी दुआ है आपके साथ। और फिर इतना ही, हम लोग आज छोड़ते हैं और फिर अगले क्लास में अगले पढ़ते हैं, धन्यवाद।